नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन ऑन स्पेक्ट्रल टर्म फॉर एलएस कपलिंग। हमने पिछले वाला लेक्चर में एलएस कपलिंग के बारे में डिस्कस किया था, तो आप सबसे पहले हमारा वाला लेक्चर देखिए, क्योंकि अगर आप उसमें एलएस कपलिंग देखेंगे फिर उसके बाद एक और लेक्चर हमने बनाया है किस पर, स्पेक्ट्रल टर्म फॉर एलएस कपलिंग के लिए। ठीक, आप उन दो लेक्चर को देखिए तब जाके आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, नाउ आई होप आपने वो देख लिया होगा। तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया है, 3p 4p एक क्या है एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट को दिखा रहा है या आउटर मोस्ट सबसेल को दिखा रहा है। कौन, 3p 4p क्या कर रहा है, उसके लिए फाइंड द स्पेक्ट्रल टर्म। उसके लिए हमें क्या करना है, स्पेक्ट्रल टर्म फाइंड करना है और लगाएंगे कौन सी कपलिंग, हम यहाँ पर एल एस कपलिंग लगाएंगे। ठीक, नाउ चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। 3p 4p एक स्टेट है, मैंने यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस 3p में है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है इस 4p में है। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास है, क्या है मेरे पास एक 3p 4p, कोई ये क्या है आउटर मोस्ट सबसेल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस 3p वाले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। मैंने अज्यूम कर लिया वो कितनी है, S1 है और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। सिमिलरली यहाँ पर 4p वाले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, S2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। फिर मैं क्या निकाल दूंगा यहाँ से, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा इसके लिए, ये कहाँ है P में है, तो P यानी क्या हो गया यहाँ पर L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये भी क्या है P है, तो इसके लिए L2 इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या निकलेगा, S1 S2 L1 L2। अब हम क्या निकाल देंगे, जो क्वांटम नंबर हमने कहाँ पढ़े थे, LS कपलिंग में पढ़े थे, क्वांटम नंबर S, क्वांटम नंबर L और क्वांटम नंबर J निकाल देंगे और उनकी हेल्प से क्या करेंगे यहाँ पर हम स्पेक्ट्रल टर्म क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर स्पिन इंट्रैक्शन करेंगे, यानी क्वांटम नंबर कैपिटल S निकालेंगे। तो हम जानते हैं क्वांटम नंबर कैपिटल S इज लाइज फ्रॉम S1 minus S2 to S1 plus S2। कहां से कहां लाई करता है ये, S1 plus S2 से S1 minus S2 के बीच में लाई करता है। तो ये हमको S1 और S2 की वैल्यू है यहां पर कितनी है, 1/2 माइनस का 1/2, 2 कहां से कहां तक, 1/2 प्लस का 1/2 आ जाएगा। तो S इक्वल टू कहां से कहां लाई करेगा, ये 0 to 1 लाई करेगा, कहां से कहां, 0 to 1। तो S की कितनी वैल्यू होंगी, दो वैल्यू होंगी, एक क्या होगी 0 होगी और एक क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं S की वैल्यू जब 0 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट बोलते हैं, और S की वैल्यू जब 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे यहां पर, ऑर्बिट इंट्रैक्शन करेंगे, यानी किनको कपल करेंगे, अब L1 और L2 को कपल करेंगे। हम जानते हैं ऑर्बिट इंट्रैक्शन से जो यहां पर क्वांटम नंबर L आता है वो कहां से कहां लाई करता है, L1 माइनस L2 से L1 प्लस L2 के बीच में लाई करता है। तो यहां से L1 की जगह कितना है मेरे पास, 1 है, और L2 की जगह कितना है, 1 माइनस 1 2 कहां से कहां तक, 1 प्लस 1 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल हुआ, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां पर L की कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई, 1, 2 और 3 आ गई। ये बात समझ में आई आपको, और ये हमको दिखाना चाह रहा है। तो यहाँ से क्या देखना दिख रहा है हमको, S इज इक्वल टू 0 है, यानी सिंगलेट है। तो कितने सिंगलेट होंगे, 3 सिंगलेट होंगे, और S इक्वल टू 1 के लिए यानी क्या है, डबलेट, और डबलेट कितने होंगे, 3 डबलेट होंगे। ठीक है, अभी हम आगे और इसको डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, कन्फ्यूज नहीं होना है ना। अब हम क्या करेंगे, L और S को कपल करेंगे, यानी क्या करेंगे, ऑर्बिट और स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन करेंगे। L और S को कपल करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, क्वांटम नंबर J मिलेगा, और ये J कहाँ से कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है कहाँ से, L minus S to L plus S के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। हाँ, तो यहाँ से J इज इक्वल टू, अब पहला केस क्या हो जाएगा इसमें, मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि पहले 0 इसके साथ कपल हुआ L के साथ, फिर उसके बाद कौन सा नेक्स्ट केस कौन सा होगा, S इज इक्वल टू 1 किसके साथ कपल होगा, इन तीनों के साथ कपल होगा। ठीक, तो पहले 0 वाला देख लेते हैं, इन तीनों के साथ, यानी पहला केस क्या है मेरे पास यहाँ पर, मैंने अज्यूम कर लिया S इक्वल टू 0 है और L इक्वल टू कितना है मेरे पास, 0 है। अगर S इक्वल टू 0 है, L इज इक्वल टू 0 है, तो इसको अगर यहाँ पर लगाएंगे, दो वैल्यू पुट करेंगे, तो J इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात हुई, J इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 माइनस 0 0 0 प्लस 0 0, यानी L इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। दूसरा केस क्या है हमारे पास, S इज इक्वल टू 0 है लेकिन J इज इक्वल टू कितना है, 1 है, सॉरी S इज इक्वल टू 0 है लेकिन L इज इक्वल टू कितना है, 1 है। S इज इक्वल टू 0 लेकिन L इज इक्वल टू 1 वाला केस जब हम यहाँ पर लेंगे तो J इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी बताइए कितना आ जाएगा, J इज इक्वल टू आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 माइनस 1 2 0 प्लस 1 आ गया, और ये
ये कितना आ गया 1 to 1, यानी जे की कितनी वैल्यू आई, एक वैल्यू, और वो क्या होगी मेरे पास, सॉरी वो क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 - 0 कितना होता है, 1 होता है, तो जे की एक वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास, 1 आ गई। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस क्या होगा, 0 के साथ कंबाइन होगा एल इज इक्वल टू 2 के साथ, तो यहाँ पर केस थर्ड क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरे पास क्या दिया है यहाँ पर, एस इज इक्वल टू 0 है और एल इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 2 है, एस इज इक्वल टू 0 और एल इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर मेरे पास जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो जे इज इक्वल टू कितना आ गया, जैसे 2 आ जाएगा, क्योंकि 0 - 2 = 0 + 2 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, सिंपल यहाँ पर 2 आ जाएगा। नाउ अब हम किसको करेंगे, एस इज इक्वल टू 1 को इन तीनों के साथ क्या करेंगे, कपल करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास चौथा केस क्या हो जाएगा मेरे पास, चौथा केस हो जाएगा मेरे पास एस इज इक्वल टू कितना रहेगा मेरे पास, एस इज इक्वल टू कितना 1 रहेगा, लेकिन एल इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, एस इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी जे की कितनी वैल्यू आएंगी, बताइए कितनी आएंगी, जे इसकी कितनी वैल्यू आई यहाँ पर, 1 - 0 - 2 - 1 + 0, यानी 0 जे की कितनी वैल्यू है, सिर्फ एक वैल्यू, वो कौन सी है यहाँ पर, जे इज इक्वल टू 1 है। ओके, आई बात समझ में। नाउ अगला केस देखते हैं, अगला केस क्या है हमारे पास, केस 5 क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 1 एंड बट एल इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, 1 होगा, एस इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जे इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बताइए फटाफट, जे इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 - 1 - 1 - 1 लाई करेगा, 1 - 1 - 1 लाई करेगा, तो जे इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 - 2 लाई करेगा, तो जे की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, 3 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, 0, 1 and 2, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, 3 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, यानी एस इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 2 वाली बात करते हैं, यानी केस कौन सा हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 6 केस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो क्या है केस, एस इज इक्वल टू 1 लेकिन एल इज इक्वल टू 2, ठीक है, एस इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फटाफट सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 1 - 2 - 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 1, 2, 3 आ जाएगा। ओके, तो जे इज इक्वल टू, जे कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू, 1, 2 and 3। ओके, ये आ गई मेरे पास क्या, जे की वैल्यू आ गई। ठीक ना, अब हम इनकी हेल्प से क्या कर देंगे, इनके लिए स्पेक्ट्रल टर्म डिफाइन कर देंगे, सिंस वी नो फ्रॉम अवर प्रीवियस क्लास स्पेक्ट्रल टर्म डिफाइन एज, यहाँ पर एल लिखते हैं हम, यहाँ पर 2s + 1 लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, यहाँ पर जे लिख देते हैं, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रल टर्म बोलते हैं, जहाँ ये एस क्या है, क्वांटम नंबर एस है, जे क्या है, ये क्वांटम नंबर जे है, और ये एल क्या है मेरे पास, क्वांटम नंबर एल है, एल इज इक्वल टू 0 होगा तो उसके जो क्या पुट करते हैं हम, स्टेट एस पुट करते हैं, एल इज इक्वल टू 1 होगा तो उसके जो क्या पुट करते हैं, पी पुट करते हैं, एल इज इक्वल टू 2 होगा तो उसके जो क्या पुट करते हैं, डी पुट करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पेक्ट्रल टर्म लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम स्पेक्ट्रल टर्म, ओके, स्पेक्ट्रल टर्म्स। नाउ सबसे पहले इसके लिए लिख देते हैं, यहाँ पर एल इज इक्वल टू कितना है, 0 है, अगर एल इज इक्वल टू 0 है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, एल इज इक्वल टू 0 यानी क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। नाउ एस इज इक्वल टू 0 है, एस के जगह 0 पुट कर तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा बेस में, जे इज इक्वल टू कितना है, 0 है, एक स्पेक्ट्रल टर्म तो ये आ गया। नेक्स्ट इसके लिए होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास एल इज इक्वल टू कितना है, 1 है, यानी पी आएगा, और यहाँ तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट केस देखो, इसके लिए देखते हैं, यहाँ पर एल इज इक्वल टू कितना है, 2 है, यानी हम क्या, डी आएगा, यहां तो 1 ही रहेगा, और यहां कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट यानी इसके लिए देखते हैं, ये क्या है, एस इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 0 यानी कितना आ गया, एस आ गया, और एस इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, एस की जगह 1 पुट करो तो यहां कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहां पर जे की जो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। अगले केस की बात करते हैं, अगले केस में हमारे पास क्या है यहाँ पर, कहाँ गया, ये है एस इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 1 के लिए, अब देखो यहाँ पर एल इज इक्वल टू कितना है, 1 है, यानी कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 1 है, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पर जी कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, 1, 2। ओके, तो यहाँ पर 3 टर्म ऐसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको, और एक साथ भी लिख सकते हैं कॉमा लगा के। ठीक, तो यहाँ पर कितने टर्म है, ये 3 टर्म है, एक क्या है 3p0, 3p1 और 3p2। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए बात करते हैं, ये क्या है, एल इज इक्वल टू 2 है, एल इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया मेरे पास, डी हो गया, और यहाँ पर एस इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 आ जाएगी, और यहाँ बेस में कितना आ जाएगा, 1, 2, 3 आ जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3।
थ्री आ जाएगा। आई बात समझ में? तो टोटल कितने टर्म हुए यहाँ पर, थ्री ये हो गया, थ्री थ्री सिक्स हो गया, और सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, कितने टर्म आ गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कितने टर्म आ गए, टेन टर्म आ गए। ठीक, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। ओके ना, अब यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था किसके बारे में, हुंस रूल के बारे में, आपको याद है, पहले याद करो, अगर वो याद नहीं होगा तो आप इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप क्या याद करो, हुंस रूल याद करो। हुंस रूल क्या है हमारे पास, पहला रूल क्या है हुंस का, कि जो हाईएस्ट एस होता है वो लोएस्ट होता है, यानी लोएस्ट लाई करता है। दूसरा रूल क्या है, जो हाईएस्ट एल होता है वो लोएस्ट लाई करता है। तीसरा रूल क्या है, जो लोएस्ट जे होता है वो लोएस्ट लाई करता है, कब, जब हमारे पास जो सबसे लो होगा क्या होगा, लेस देन हाफ फील्ड होगा। और चौथा रूल क्या है, जो हाईएस्ट जे होता है वो क्या करता है, लोएस्ट लाई करता है, किसके लिए, जब हमारे पास जो सबसेल होता है वो क्या होता है, मोर देन हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, ये रूल याद होने चाहिए। अब इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग पहले आप वो लेक्चर देखिए, अगर वो नहीं देखा है तो पहले देखिए, तभी हम यहाँ पर इनको इनके एनर्जी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं इन टर्म्स को। ठीक, नाउ अब मैं ज़ूम कर लूँ कि आपने को याद है हुंस रूल। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, इनके ये जो यहाँ पर टर्म दिए हुए हैं इनके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, करें कोशिश। मैं एक काम कर रहा हूँ, कुछ मेरे को टर्म मिटाने पड़ेंगे, इसे मिटा दूँ, इन टर्म को मिटा देता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, इसे मिटा देता हूँ मैं इतना यहाँ पर पार्ट। ओके ना, ओके चलिए देखिए, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर क्या थी, एक स्टेट थी, या फिर एक क्या था, आउटर मोस्ट सबसेल था, क्या 3p 4p, एक सबसे पहले क्या था मेरे पास 3p 4p था, और इसमें जैसे हमने क्या किया, ls कपलिंग की, ये 3p 4p कितने टर्म में टूट गया, 10 टर्म में टूट गया, जो भी हमने यहाँ पर लिखे थे। ठीक है, तो ये पहली स्टेट है, और स्टेट का नाम क्या है मेरे पास, 3p 4p है, 3p 4p है। तो सबसे पहले क्या किया हमने इस 3p 4p वाले स्टेट में, स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन किया। जैसे ही स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन किया, ये लेवल कितने लेवल में टूट गई, दो लेवल में टूट गई, एक करस्पॉन्डिंग टू s इज इक्वल टू जीरो और दूसरी करस्पॉन्डिंग टू s इज इक्वल टू वन। नाउ अब एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, अब हमने हुंस रूल पढ़ा है कि हाईएस्ट एस लाइज लोएस्ट, जो हाईएस्ट एस होता है वो कहाँ लाई करता है, सबसे नीचे लाई करता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट एस क्या है, वन है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो एनर्जी होगी क्या होगी, कम होगी। यानी यहाँ पर दो लेवल हमको देखने को मिलेंगे, एक क्या होगा करस्पॉन्डिंग टू s इज इक्वल टू वन, और एक क्या होगा मेरे पास करस्पॉन्डिंग टू s इज इक्वल टू जीरो। आप बताओ s इज इक्वल टू जीरो करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, s इज इक्वल टू जीरो, और ये कौन सा वाला होगा मेरे पास, s इज इक्वल टू वन वाला होगा। क्यों, हम जानते हैं बिकॉज हाईएस्ट l लाइज लोएस्ट। ठीक है, यानी ये दो टर्म में क्या, सॉरी दो लेवल में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। फिर फर्दर हमने क्या किया यहाँ पर, स्पिन सॉरी ऑर्बिट ऑर्बिट इंट्रैक्शन किया, और ऑर्बिट ऑर्बिट इंट्रैक्शन करने के बाद s इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग मुझे तीन टर्म देखने को मिले, या फिर तीन लेवल देखने को मिले, फिर अगेन s इज इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग मुझे तीन लेवल देखने को मिले, दूसरे शब्दों में बोले तो मुझे तीन सिंगलेट देखने को मिले और तीन डबल सॉरी तीन सिंगलेट देखने को मिले और तीन ट्रिपलेट देखने को मिले। ठीक है, ऐसे अगर वन पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, ट्रिपलेट आ जाएगा ना, टू वन जै थ्री। ओके, मैंने अभी डबलेट बोला क्या पीछे, गलत बोला है हूँ, अगर डबलेट बोला है तो एस इज इक्वल टू जीरो के लिए क्या आएगा, सिंगलेट आएगा, कितने सिंगलेट होंगे, तीन सिंगलेट होंगे, और एस इज इक्वल टू वन के लिए ट्रिपलेट आएगा, कितने ट्रिपलेट होंगे, तीन ट्रिपलेट होंगे। तो यहाँ पर तीन इसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर एनर्जी लेवल तीन इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक, मैं यहाँ पर मानता हूँ तीन, इस तरीके से ये बन जाएगा, और ये किसके लिए होगा मेरे पास, ये है मेरे पास किसके लिए। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा है, हाईएस्ट एल लाइज लोएस्ट। ठीक है, अगर हाईएस्ट एल लाइज लोएस्ट है तो ये किसके लिए होगा, अगर यहाँ पर टू है तो ये कौन सा वाला होगा, टू वाला होगा, एल इजिकल टू टू के लिए ये वाला होगा, क्योंकि हाईएस्ट एल लाइज लोएस्ट, अगर ये टू है तो इसके लिए टर्म क्या होता है, डी होता है, और ये एस इजिकल टू जीरो है तो कितना आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, तो ये क्या होगा, वन डी होगा, और ये क्या होगा, P वाला होगा, फिर s इज इक्वल टू वन के लिए तो ये कितना होगा मेरे पास, 1p होगा, और ये क्या होगा मेरे पास, 1s होगा, क्या सॉरी क्या होगा, हाँ 1s होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिले, तीन टर्म देखने को मिले हमको किसके करस्पॉन्डिंग, इस s इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली अब ये भी कितने में डिवाइड हो जाएगा, तीन में डिवाइड हो जाएगा, मैंने अज्यूम कर लिया कुछ इस तरीके से हुआ। ठीक, नाउ यहाँ पर फिर वही लगेगा हमारा हुंस रूल के, हाईएस्ट एल लाइज लोएस्ट। अब हाईएस्ट एल कौन सा है, ये वाला है, तो यानी ये किसके लिए होगा मेरे पास, डी के लिए होगा, तो ये डी होगा, लेकिन इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, अगर एस इज इक्वल टू वन है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, टू इंटू वन प्लस वन, यानी कितनी आ जाएगी मेरे पास, थ्री आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर कितना आ जाएगा, थ्री, एस इज इक्वल टू वन के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पी आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरा, थ्री एस आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई, ये तो क्या हो गया मेरे पास, ये क्या हो गया मेरे पास, स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन, सॉरी ऑर्बिट ऑर्बिट इंट्रैक्शन करने के बाद ये देखने को मिला। अब हम क्या करेंगे,
स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन करेंगे, तो फर्दर हमारे ये लेवल क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। देखो कैसे, जैसे मैंने इसमें क्या किया, अब देखो यहां देखिए, ये एस इज इक्वल टू जीरो वाले में, एस इज इक्वल टू जीरो वाले में इधर देखिए कहां गया, ओके इधर है, एस इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू जीरो और जे इज इक्वल टू जीरो, क्या मिल रहा है हमको, एक सीधी लाइन मिल रही है। फिर से देखो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, एस इज इक्वल टू जीरो और जे इज एल इज इक्वल टू वन, एस इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू वन, जे इज इक्वल टू वन, यानी कोई भी एनर्जी में स्प्लिट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर एक लेवल सीधे मिलेगी, यानी ये लेवल में स्प्लिट नहीं हो रहा है। फिर अगेन से एस इज इक्वल टू वन, एल इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू टू, यानी जे की सिर्फ एक वैल्यू है, यानी इसके लिए भी यहाँ पर कोई नए एनर्जी लेवल या फिर कोई नए टर्म में देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये सीधे के सीधे टर्म मिल जाएंगे, अगर एस इज इक्वल टू वन है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म मिलेगा, अगर एस इज इक्वल टू सॉरी एस वन पी है तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक टर्म मिलेगा, सिमिलरली वन डी है तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक टर्म मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ से कैलकुलेशन से देख सकते हैं कि इनमें स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही है, फर्दर स्प्लिटिंग नहीं हो रही है एल एस कपलिंग के अकॉर्डिंग। तो ये वाली स्टेट किसके 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 करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी वन एस, और इसके लिए जे की वैल्यू कितनी है जीरो है, और इसके लिए क्या हो जाएगी पी, और इसके लिए जे की वैल्यू कितनी आ रखी है वन आ रखी है, और इसके लिए क्या हो जाएगा वन डी, इसके लिए जे की वैल्यू कितनी है टू है ना। अब इधर देखिए, अब यहाँ क्या होगा फर्दर, देखो अब इसके लिए देखते हैं, थ्री डी वाले के लिए देखते हैं, थ्री डी यानी कौन से किसकी बात कर रहे हैं हम, इस वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जे के कितने वैल्यू देखने को मिल रही है, तीन वैल्यू देखने को मिल रही है, यानी ये जो स्टेट है थ्री डी वाली, यहाँ पर ये क्या होगी फर्दर तीन टर्म में स्प्लिट हो जा रही है, एक करस्पॉन्डिंग टू जे इज इक्वल टू वन, दूसरी जे इज इक्वल टू टू और जे इज इक्वल टू थ्री। तो मुझे यहाँ पर कितने टर्म देखने को मिले, इसके करस्पॉन्डिंग तीन टर्म देखने को मिले, मैं तीन टर्म बनाता हूँ यहाँ पर, एक दो तीन, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर तीन टर्म देखने को मिले ना। अब कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी कौन सा लेवल किस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे पता करेंगे हम ना। जैसे कि हुंस रूल क्या है कि लोएस्ट जे लाइज लोएस्ट है, तो यहाँ पर लोएस्ट जे क्या है वन है, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, जे इज इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर थ्री डी वन लिख सकता हूँ, ठीक, यानी ये कौन से टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, 3d1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, फिर ये j इज इक्वल टू टू के करस्पॉन्डिंग होगा, और ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, j इज इक्वल टू थ्री के करस्पॉन्डिंग होगा। इतनी बात समझ में आई, ये क्लियर हो गया। नाउ अगर हम अब इसके लिए देखें 3p वाले के लिए देखें, तो 3p फर्दर क्या हो जा रहा है, ये किसको दिखा रहा है 3p वाला, ये है, तो 3p यहाँ पर j के फर्दर तीन वैल्यू है, तो यहाँ पर हमको तीन लेवल देखने को मिलेंगे। अब देखो ये क्या है मेरे पास, तीन लेवल बना दूँ मैं, वन टू थ्री बना दिया, ठीक, तीन लेवल बना दिए मैंने, ओके। नाउ अब यहाँ पर जे इज इक्वल टू वन वाला कौन सा होगा, जे इज इक्वल टू जीरो वाला कौन सा होगा, जे इज इक्वल टू टू वाला कौन सा होगा। अब फिर से हुंस रूल कि लोएस्ट जे लाइज लोएस्ट, ठीक, तो ये किसके लिए होगा मेरे पास, जे इज इक्वल टू जीरो के लिए, ये किसके लिए होगा मेरे पास, जे इज इक्वल टू वन के लिए, और ये किसके लिए होगा मेरे पास, जे इज इक्वल टू टू के लिए। आई बात समझ में। नाउ फर्दर अब थ्री एस वाले को देखो, थ्री एस यानी इसकी बात कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर जे की सिर्फ एक वैल्यू है, यानी ये वाला जो लेवल है वो फर्दर स्प्लिट नहीं हो रहा है, यानी हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक इसके ठीक सामने एक ऐसा ही लेवल देखने को मिलेगा, और ये लेवल किसके लिए है मेरे पास, जे इज इक्वल टू क्या है मेरे पास यहाँ पर, जे इज इक्वल टू वन के लिए है, और इस टर्म का नाम क्या है, इन टर्म का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है आप, इसके लिए क्या हो जाएगा 3p2 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा 3p1 हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा 3p0, इसके लिए कितना हो जाएगा 3d3, 3d2, 3d1 टर्म, और ये 3d1 टर्म, और इसके लिए टर्म का नाम क्या होगा मेरे पास 3s, कितना आ जाएगा, जे की वैल्यू कितनी है वन है, 3s1 हो जाएगा इस टर्म का नाम, ठीक। इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये क्या कर दिया हमने, इसको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से अरेंज कर दिया इन टर्म को। पिछले लेक्चर में हमने सिंपल एक सीरीज बनाई थी, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग इनको फिक्स कर दिया, और एनर्जी इस तरीके से क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, यानी सबसे कम एनर्जी किस टर्म की होगी, 3d1 की होगी, जो हमने यहाँ पर टर्म लिखे थे उन टर्म में सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 3d1 की होगी, और टोटल नंबर टर्म कितने हैं यहाँ पर, 10 टर्म हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया, और वो इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।